हेलो फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगता होगा कि एक डेडली मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा और सिर्फ मार्शल आर्ट्स मार्शल आर्ट्स मार्शल आर्ट्स सुबह शाम रात। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जो एक डेडली मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे एक जगह के। तो चलिए जानते हैं गोगेन यामागुची के बारे में। गोगन यामागुची ब्लैक बेल्ट टेंडन थे कोजुरियो मार्शल आर्ट्स के अंदर। उनका जन्म 1909 में कोगुशिमा जापान के अंदर हुआ था। 80 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। उनके स्टूडेंट्स उनको द कैट के नाम से भी बुलाते थे। ये उनका नाम इसलिए पड़ा था कि वो एक बहुत फियर्सिंग मार्शल आर्टिस्ट थे। उसके अलावा उनके बाल बहुत लंबे थे कैट्स के जैसे। एक वीडियो के अंदर इनको आपने एक क्रिस्टल बॉल के सामने कुछ हाथ की मुद्राएं और कुछ श्वास की क्रियाएं करते हुए देखा होगा और साथ में ये ड्रम बजाते थे। ऐसा ये कुछ आत्माओं को बुलाने के लिए किया करते थे। यामागुची गोजुरियो स्टाइल प्रैक्टिस किया करते थे। इनके गुरु मास्टर चोजन मियागी गोजो स्टाइल के फाउंडर थे। मैं गोजो स्टाइल के काटा से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं। इस काटा का नाम है तेंशो। इस काटा के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं है, लेकिन इस काटा को जिस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से लगता है जैसे ये योग के साथ मिलता हुआ है। और रेजिस्टेंस और बहुत सारे इसमें बंध भी लगाने पड़ते हैं। मास्टर यामागुची केंडू जूडो और कराटे जैसी कई मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस किया करते थे। एक बहुत शानदार चीज इनके बारे में, 1930 से 1940 के बीच ये मंचूरिया ओकिनावा के गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। इस टाइम के दौरान उनके ऊपर कई डेडली अटैक्स हुए, क्योंकि दोनों तरफ से जापान और चाइना के बीच वॉर चल रहा था। लेकिन अपनी शानदार फाइटिंग क्वालिटी की वजह से ये अपने आप को हमेशा बचाने में कामयाब रहते थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बताया है कि एक बार वो 20 से ज्यादा बैंडिट से घिर गए थे और एक हवेली जैसी जगह में वो घिरे हुए थे। उनको पूरी रात लग गई उनसे वॉर करने में। बैंडिट्स के पास तलवारें थी और उनके पास बंदूकें भी थी। सुबह 7 बजे तक कहते हैं वो लड़ते रहे और वो इन बैंडिट से जीत गए, लेकिन सुबह तक वो इतने थक गए थे कि वो बेहोश हो गए। जब वो साइबेरिया रशिया की कैद में गए थे तो कहते हैं कि उनके जेल के अंदर एक भूखे शेर को डाल दिया और उन्होंने उसको भी अपनी फाइटिंग स्किल से मार दिया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब वो जापान वापस पहुंचे तो कहते हैं कि वो जापान का डिस्ट्रक्शन देख के बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनके मन में सुसाइड का विचार आया। वे जब सुसाइड करने गए तो एक लेक के पास जाके बैठ गए और वहां ध्यान करते वक्त उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जागृत हुई अपने परिवार के प्रति और जापानीज गवर्नमेंट के प्रति। ऐसे कई मार्शल आर्टिस्ट के बारे में आगे भी चर्चा जारी रहेगी। आप इनके बारे में और काफी चीजें देखें ध्यान से। बहुत शानदार मार्शल आर्टिस्ट थे ये, और यू मस्ट गो थ्रू प्लेंटी ऑफ मार्शल आर्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मार्शल आर्ट जो है वो एक ओशियन है और ना कि एक जस्ट छोटा सा पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच।